स्थानीय पुलिस लाइन मैदान में राजस्व पुलिस अधिकारियों द्वारा बलवा ड्रिल कराया गया। बलवा ड्रिल को दबाने के लिए वास्तविक रूप से चरणवार जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह सब कुछ किया गया। पुलिस लाइन मैदान में यह ड्रिल आयोजित होने के दौरान पुलिस अधिकारियों का एक दल बनाया गया जो पत्थरबाजी कर रहा था, तो वहीं इस दौरान जायजा लेने के साथ ही चेतावनी भी दी गई, नारेबाजी करने वालों को शांत भी करवाया गया, तो वहीं पत्थरबाजों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, उन्हें तितर बितर भी किया गया। हालांकि ये एक केवल प्रैक्टिकल स्वरूप था, लेकिन यह प्रयोग पुलिस लाइन में अधिकांश समय देखने को मिलता है। वहीं इस दौरान जिला मुख्यालय के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। हमारे पुलिस ऑफिसर्स और मजिस्ट्रेट्स की कम्बाइंड आज बैठक रखी गई थी, जिसमें हमारे प्रिवेंटिव सेक्शंस और अन्य चीज़ों पर चर्चा की गई। उनमें अगले दो महीने में आने वाले त्योहारों के बारे में भी डिस्कशन हुआ कि उस पर कैसे हमें शांति व्यवस्था बनाए रखनी है। उसी के साथ ही जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, माननीय उच्चतम न्यायालय का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला आने वाला है, उसको देखते हुए हमने अभी राइट ड्रिल भी की है और सबको निर्देश दिया है कि सभी थाना लेवल पर और SDOP लेवल पर राइट ड्रिल्स करें और इक्विप्ड रहे, हर तरीके से हथियार से, हर तरीके से सामग्री से, साजो सामग्री से इक्विप्ड रहे और हम किसी भी स्थिति का सामना कर सकें, ऐसी स्थिति में रहे। शांति पूरी तरह बनाए रखने की हमारी जिम्मेदारी जो बनाए रहे। आगामी परिस्थितियों को देखते हुए संभावित लॉ एंड ऑर्डर से निपटने के लिए एक तरीके से ये पुलिस और मजिस्ट्रेट दोनों मिलके अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो कैसे एक्शन लेंगे, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ ड्रिल आयोजित किया। और इसकी सबसे बड़ी जो हम लोगों के लिए महत्व है वो ये है कि ये लोग आज से इस तैयारी में जुट जाएंगे, ये इसके प्रति कंसर्न हो गए और ये मेंटली इसके लिए तैयार हो गए कि यदि कोई ऐसी स्थिति बनती है तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। टीयर गैस सर छोड़ी थी इसमें कलेक्टर साहब और आप भी सर यहाँ पर पहुँचे थे, तो ये आपके तक टीयर गैस ये इसका पार्ट है और इसलिए हम और कलेक्टर साहब बीच में ही खड़े थे, क्योंकि कोई लॉ एंड ऑर्डर होगा तो हमें ये झेलना पड़ेगा, तो हमें भी इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसलिए पूरी फोर्स, हमारे पूरे मजिस्ट्रेट सब लोग यहाँ पे मौजूद थे और उससे सबको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, इन्हीं परिस्थितियों में हमें काम करना पड़ता है और उनसे बचना पड़ता है, तो हम वो दोनों चीज़ें कर रहे हैं, यही हमारा अभ्यास होता है।